तुम यहां क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाले। आपने मुझे डरा दिया, आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम एक मिनट यहीं रुको, यहां से हिलना मत, मैं म्यूजिक बंद करके आता हूं। वहीं रहना, हिलना मत। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझे बताओ तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी, और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का, आप मेरे बॉस है, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगी तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, आई एम सो सॉरी। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी, मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में, और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ। आओ, ये मैंने क्या बोल दिया, कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। इस टैमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो, अब मैं क्या करूंगी? ओ नो। क्या ये वही है? हाँ यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ ये मेरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए घबरा गई थी, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी, मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे के पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई, अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं, पागल लड़की है। आ,
सनम क्या है ये, अपना घुटना भी फोड़ लिया। हेलो मिस्टर एमरे। सनम तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? मैं नहीं कर पाई। क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें सब समझाया था ना ठीक से? एक मिनट मिस्टर एमरे, क्या इंतजाम किया था आपने? आपको पता है मिस्टर जान ने मुझे पकड़ लिया था, मैं कितनी घबरा गई थी। ये तुम क्या कह रही हो सनम? मेरे भाई ने तुम्हें देखा, तुमसे क्या पूछा? खूफी भरा बहाना बनाया। मैंने कहा आपके जैकेट पर कॉफी गिर गई थी और मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, और तब मैंने आपके पॉकेट में अपना कुछ सामान रख दिया और वही लेने के लिए मैं वहाँ आई, और आपकी पॉकेट में जो रिंग मिली मैंने उसे अपनी सगाई की रिंग बता दी। ओह डैम इट, तुमने क्या कर दिया सनम? वो रिंग कितनी महंगी है, उस रिंग को संभाल कर रखो, समझी? तुमने सुना मैंने क्या कहा तुमसे? संभाल कर रखो। हाँ हाँ सुन लिया। तुमने क्या वो फाइल ले ली? मेरे भाई ने देखा? नहीं मैं फाइल नहीं ले सकी और ना ही उन्होंने मुझे लेते हुए देखा। वो देख नहीं सकते, फाइल ले ली, ये क्या कह रहे हो? अगर उन्हें रात को लिविंग रूम साफ करने की आदत नहीं है तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे। पर हाँ, वो थोड़े से अजीब है और उनका कोई भरोसा भी नहीं। सनम तुम क्या बात कर रही हो? मैंने वो फाइल लिविंग रूम में रखी है, वहाँ एक जार है उसके अंदर। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। मिस्टर एमरे देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। मैं हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ, इसीलिए प्लीज मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, चिल्ला कर बात करने के लिए सॉरी। सनम ठीक है, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, कल बात करते हैं ठीक है? हेलो हेलो मिस्टर एमरे, मिस्टर एमरे, इस बार तो मैं 100% जॉब से गई। टेबल पर बैठो, जाओ जाओ टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ खाना, जाओ। मैं बहुत खुश हूँ मेरी सनम। देखो मैं तुम्हें मेरी सनम बुला रहा हूँ क्योंकि अब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। ओए सनम, अपनी हालत तो देखो, ये क्या हो गया तुम्हें? और ये तुम्हारे घुटने में चोट कैसे आई? अब क्या बताओ तुम्हें क्या हुआ, एक मुसीबत से दूसरे मुसीबत में फंस गई, और ऊपर से ये रिंग। वाव क्या बात है, क्या तुमने चोरी की है सनम? मेरी सनम, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ तो मैं भी यही पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें हो क्या गया है? हाँ मॉम, क्या आप ये बात नहीं जानती हैं? सनम काम करने लगी है, वो बहुत थक गई है, देखो कितनी टायर्ड लग रही है, ठीक से खाना भी नहीं खाती है लगता। लेकिन हमारी शादी के बाद सनम काम नहीं करेगी, वो सिर्फ आराम करेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो जबरदस्त, हमारी शादी नहीं होने वाली। सनम ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे डैड को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। देखिए आप ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए, मैं इससे शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। तो बात करने की तमीज ही नहीं, सुना नहीं तुमने मुजफ्फर, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मॉम वो हमेशा से ऐसी ही है, एकदम मुंह फट मुंह पे बोलने वाली, वो मुझे भी 20 सालों से तड़पा रही है मॉम। यार जबरदस्त, 20 साल तक मैं कैसे नाटक कर सकती हूँ? मेरी मॉम ने हाँ इसलिए कहा ताकि आपको बुरा ना लगे। बदतमीज लड़की, मैं बाद में बात करूंगी। ये सच नहीं है, सब गड़बड़ कर देगी। मॉम तो गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन मानिए। देखा क्या हुआ, सास बहू के झगड़े में मैं बलि का बकरा बन गया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम दोनों की लड़ाई में ना हमेशा मैं ही पिसने वाला हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। मॉम रुकिए। सनम मेरी बहन, तुमने बताओ, ये क्या मैंने क्या किया? गलत कर दिया? तुम ऐसे कैसे शादी से इनकार कर सकती हो, वो भी उनके मुंह पे। तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत का क्या अंजाम होगा, तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, इस बार तो मैं गई काम से, अब कुछ नहीं बचा। कम से कम तुम तो मुझे रोक सकती थी ना यार। सनम रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। सनम प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए जो भी हुआ उनका ये मतलब नहीं था, इसकी गलती नहीं है। सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए, यकीन कीजिए। तुम रुक रो, देखिए मैं कह रही हूँ और मैं वही सारी कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सनम ये तुम्हें क्या हुआ?
क्यों कह रही है कुछ भी? हाँ मैं गिर गई थी डैड, पर इस वक्त ये जरूरी नहीं है। हाँ पर कैसे, तुम्हारे घुटने से खून बह रहा है। कितने बेहुदा लोग हैं, बात करने की तमीज नहीं। वो ऐसा नहीं कह रही कुछ भी, उनका ये मतलब नहीं था। सुबान संभाल कर। मॉम प्लीज आप अंदर चलिए। सनम तुम्हें समझ नहीं आता ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमसे तो मैं कभी उम्मीद ही नहीं कर सकती कि तुम मेरा साथ दोगी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ बेकार लोग है ये। देखो सुन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे ले जाओ यहाँ से। चलिए चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक बात। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं थी तो हमें तुम्हारे घर बुलाया क्यों? और मैं विक, तुम भी प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग हो कि हद से आगे बढ़ते ही जा रहे हो। जरा देखो यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो सबको सुनने दो ना। आई सुन, तुमने मुझसे कहा था कि हम आ सकते हैं तो मैंने कहा कि हाँ आ सकते हैं। क्या कहती? बिल्कुल नहीं। और मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि हम अपनी बेटी तुम्हें देंगे। ऐसे भी मुझे तुम्हारी बेटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझे? आई सुन, मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम पहले अपने बेटे से पूछो कि वो उसका फैन है या नहीं, पूछो उससे। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं शादी कर लूँ। इस वक्त कोई तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा। जबरदस्त, तुम्हें कीमती वक्त के बारे में क्या पता है? पहले अपनी बेटी को आप जानती है कि सनम क्या है? बहुत हुआ, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप रहो, मैं मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, ओके अंकल मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी। यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है क्या? जाओ अपने घर में, चलो जाओ। तुम भी अपने घर में जाओ, जाके देखो। खुद का कुछ अता पता नहीं और दूसरों के घर में जाके। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। मैं क्यूबे कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हारी वजह से ही मरूंगा। मिसेस आयजोन सही कह रही थी, तुम्हें उन्हें घर ही क्यों बुलाया जब शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी थी तो? हाँ सही कहा, मैं तो पहले ही दिन से कह रही थी कि मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। दीदी डैड की दवाइयाँ ला दो, इनका ब्लड प्रेशर हाई है। डैड आप इतने हाइपर क्यों हो जाते हो? आज रात तो मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। मॉम देखिए, इस बार आपका प्लान काम नहीं आया। डैड सही है और सनम भी सही है, आपने ये मुसीबत खड़ी की और उसमें हमको घसीट लिया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जरा देना। हाँ ये लो, अब सोने चले क्या? मैं विवेक, मैं विवेक। मैं विवेक। मॉम ओह नो, मॉम आप ठीक तो हैं? इनका ये चेहरा, इनकी ये नजर, हम तीनों तो गए काम से। सनम तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? विवेक तुमने क्या मौन व्रत ले लिया है? मेरी प्यारी बेटियों, अब दीवार की तरफ दौड़ो। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अरे चलो जल्दी 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 निकलो। देखो अपने आप को ही चोट पहुंचा ली तुमने। इतना भी नहीं पता कि दरवाजा नॉक करना चाहिए? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बताओ मुझे जरा। मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो सनम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। सच कहूँ तो मैं परेशान नहीं हूँ, पर ऑफिस में परेशानी है, वहाँ सब परेशान है और तुम भी परेशान हो। बिल्कुल टेंशन तो हो गई। मिस्टर जॉन जनरल मैनेजर कैसे हो सकते हैं? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा सनम, मिस्टर एमरे ने इस कंपनी के लिए बहुत सालों से मेहनत की है, मैंने खुद देखा है उन्हें, और मिस्टर जॉन ने क्या किया? यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें खींचते हैं और एक ही दिन में जनरल मैनेजर की कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं। क्या मजाक है ये? मैं तुमसे एक बात पूछूं दीदी,
मिस्टर जान क्या बुरे इंसान है? वेल, अगर वो अच्छा इंसान होता तो अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता, समझी? हाँ, सही कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, पर मुझे लगता है 2-3 दिनों में तुम्हें बुला लेंगे। काश ऐसा ही हो सनेम। मैं घर पर बहुत बोर हो गई हूँ, मैं इस मोहल्ले से बोर हो गई हूँ, मैं अयान से बोर हो गई हूँ, मैं तो अपने आप से बोर हो गई हूँ। आप ऐसे कैसे जी सकते हैं? ये एक बहुत ही बोरिंग लाइफ है और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। जैसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग थी तुम्हारी लाइफ, अब उठो मुझे सोना है। सनेम, क्या मुझे निकाल दिया गया है? बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी बातें कर ली ना, बाकी की कल कर ली। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। जैसा कि औरान परमुख ने कहा है, सच्चा प्यार वही होता है जिसे आप महसूस कर सकते हो बिना देखे। बिना देखे प्यार करने से भावनाएं और जगती हैं। आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी खुशबू, आपका एहसास, ये सब याद रहता है। मुझे भी किसी से प्यार हुआ है उसे बिना देखे। हाँ, मुझे प्यार हो गया है, पर एक दिन तुम्हें जरूर देखना चाहूंगी। पर उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे आकर ढूंढो, मेरे पास आ जाओ। गुड मॉर्निंग सनेम। मिस्टर एमरे, आई एम रियली सॉरी जो हुआ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। क्या अब आप मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? क्या आप वही बोलेंगे क्या? सनेम, मैं देखिए मिस्टर एमरे, आपने जो पैसे मुझे दिए हैं उन्हें चुकाने के लिए मुझे काम करना ही होगा, इसलिए प्लीज मुझे मत निकालिए। सनेम, तुम्हें निकाला नहीं गया है, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। गुड। मेरा भाई एक कैंपेन तैयार कर रहा है और जब वो तैयार हो जाए तुम वो लेकर मुझे दे दो। कौन सा कैंपेन? एयरलाइन कंपनी के लिए। आप खुद जाकर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें मुझे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, समझ गई? हाँ, मेरा भाई किसी चीज के पीछे लगा है और मैं वो प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। मिस्टर एमरे, आप जानते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आई, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये ले लीजिए। अगर मैंने इसे खो दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज रख लीजिए। सनेम, कोई देख लेगा, प्लीज इसे अपनी उंगली में पहन लो। अरे नहीं नहीं मिस्टर एमरे, मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मिस्टर जान से तो मैं कह चुकी हूँ कि ये मेरी सगाई की रिंग है, आप मुझे इसकी डुप्लीकेट दे दीजिए ना। मैंने इसे एंटिक दुकान से खरीदा है, इसकी नकल नहीं होती, पहन लो तुम। ये बहुत कीमती है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। हम मिस्टर जान को बता देते हैं ना। तुम क्या कहोगी उससे? ये कहोगी कि तुम्हारी मंगनी नहीं हुई है और ये रिंग तुम्हारी नहीं है? कल रात हमारे घर में घुसने की क्या वजह बताओगी तुम? हा? मुझे लगता है मुझे रिजाइन करना चाहिए, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे चुकाने हैं। आप मुझे निकाल सकते हैं पर आप मुझे नहीं निकाल सकते, कि आपने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे वो चुकाने हैं, पर अब ये रिंग भी मैं संभालूं? तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं भी आता हूँ। मैं इसे सिर्फ तभी पहनूंगी जब मिस्टर जॉन सामने होंगे। गुड, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड, याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये ना, ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी, उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई, तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बेट्रॉस क्या है, कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनी, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ,
बिल्कुल अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो आओ हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या सनम? गुलिस इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हूँ। ठीक है। बैठो। क्या कल हुआ था? हाँ पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके लेट मी सी, कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो। एक मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे, मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ हो गया, शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूँ? नहीं ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट। प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ पूछिए ना। हा? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सनम तुमसे कुछ पूछना है, कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं तुम वहाँ पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है, तुम वहाँ से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मुझे
नौकरी से निकालने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सनम, तुम्हें कुछ मिला? नहीं, अभी प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तैयार होते ही मेरे पास ले आना। ठीक है। सिस्टम बंद पड़ गया है। क्या हुआ? हमारे मोबाइल भी बंद पड़ गए। जेजे अभी कॉल करो। ठीक है। और तुम सनम? हाँ तुम सनम, तुम भी कॉल करो। ये कोई वक्त नहीं है बर्बाद करने का। तुम आर्काइव में जाकर एयरलाइन कंपनीज के सारे फाइल्स ले आओ, जल्दी जाओ। ओके मैम, काम हो जाएगा आपका, डोंट वरी, चलेगा। मुझे मेरा नाम पसंद है। ठीक है। तुम लोगों ने सारे सिस्टम एक साथ कनेक्ट कर दिए, जिस वजह से लोड बढ़ गया और सारा सिस्टम बंद पड़ गया। पता नहीं तुम लोग कब सीखोगे।